विश्व धरोहर सप्ताह दिवस आयोजन के उपलक्ष्य में गुरुवार को ताजमहल सहित आगरा के सभी स्मारक पर टिकट फ्री होने के बाद लाल किले के बाहर 1800 से भी ज्यादा पर्यटक पहुंचे लाल किले का दीदार करने, जहां पर पर्यटकों की संख्या ज्यादा देखने को मिली। धरोहर दिवस है, आप देख सकते हैं कि विश्व धरोहर दिवस के सप्ताह के दिन में आज 19 तारीख को आज ताजमहल सहित जितने भी ऐतिहासिक इमारत है सभी को फ्री रखा गया है। और आज यहां पर हम लाल किले पर खड़े हुए हैं। लाल किले पर अभी तक जो अंदर से पूछताछ मालूम पड़ा कि अभी तक 1800 से भी ज्यादा लोग लाल किले का दीदार करने के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ कुछ पर्यटक आए हैं, कुछ बाहर के भी है, कुछ लोकल के भी है। तो जो बाहर से जो पर्यटक आए हैं उनसे बातचीत कर लेते कि आज टिकट नहीं है, फ्री है, तो क्या कहना चाहते हैं? जी आपका नाम क्या है? शाहरुख। शाहरुख कहाँ से आए आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से, तो जैसा कि आज कलकत्ता से घूमने के लिए आए थे, आज फ्री है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्री सोने पर सुहागा हो गया। और क्या क्या घूमा अभी आपने? लाल किला घूमा, ताजमहल घूमा। हाँ। और सब कुछ फ्री में घूम गया? सब कुछ फ्री में घूम गया। तो जैसे कि पहली बार आगरा आना हुआ है कि इससे पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आया हूं। पहली बार। तो जैसे कि इसमें कहा गया कि जैसे विश्व धरोहर दिवस है, तो जैसे कि ये बताइए कि जितने भी ऐतिहासिक इमारत है घूमने में कैसा लगता है आपको? घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आसपास जैसे लोगों को जागरूक करना है कि जितने भी ऐतिहासिक इमारत है उनको बिगाड़े नहीं। आप युवा है, बहुत से देखा होगा कि कहीं पर लोग नाम लिख देते हैं कि इमारत में कुछ डिजाइन बना देते हैं, ये क्या इसके बारे में क्या कहना है आपको? बोलो तुम, बोलो बोलो बोलो। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए जो डिजाइन बना देते हैं दीवारों पर, वो आपको सही लगता है? नहीं नहीं सर, नहीं सही लगता है। आपको कैसा लगा लाल किला? लाल किला बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा। और क्या ताजमहल कैसा लगा? ताजमहल तो खूबसूरत है, वो तो अच्छा लगा। और कहीं घूमा आपने? और हम अजमेर से आए हैं, ठीक है, और लाल किला घूमा, और सिकंदरा में गया था, अकबर का समाधि देखा। अच्छा। और इधर चलाया, तो काफी चीज घूमने को मिली और काफी अच्छा भी लगा आपको? जी अच्छा लगा। फ्री रहा उसमें क्या कहना है? फ्री लगा इससे तो सुने बस सुहागा हो गया। फ्री रहा तो अच्छा, पैसे बच गए आप? पैसा बच गया। सोचे निकले थे कि पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे? नहीं सोचा तो पैसा लगेगा ही। पहले कम था और ज्यादा कर दिया, इसलिए बहुत पैसा लगेगा। ये लॉकडाउन अचानक से एकदम से मालूम पड़ा कि फ्री है, तो कैसा लगा आपको? फ्री बहुत अच्छा लगा। ऑफर, बम्पर ऑफर होगा, बम्पर ऑफर होगा। आइए हम और भी पर्यटकों से बातचीत कर लेते हैं कि आज ऐसे सब कुछ फ्री है, तो कैसा लगा उनसे? युवा हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आज जैसे कि विश्व धरोहर दिवस है उसके बारे में कितना जानते हैं, उसको सुनकर आए हैं या फ्री है उसको सुनकर आए। जी आपका नाम क्या है? समर राठौर। जैसे कि आज विश्व धरोहर दिवस है इसके बारे में मालूम था? क्या होता है कुछ? क्या होता है ऐसे? कुछ जानकारी? नहीं जानकारी है आपको? कुछ जानकारी विश्व धरोहर दिवस? वो हमने न्यूज़पेपर में देखा था आज ये दिवस है। आज दिवस है, फ्री है? दो तीन दिन पहले की फ्री है इस वजह से। मैं आपको बता दूं, जो विश्व धरोहर दिवस है एक दिवस मनाया जाता है जितने भी ऐतिहासिक चीजें हैं, इमारतें हैं, उनको उनके लिए दिवस मनाया जा रहा है कि आप उनके बारे में जाने और उनको सुरक्षित रखें। जैसे लोग आजकल दिखते हैं युवा की नाम बना देते हैं, डिजाइन बना देते हैं, उसको लेकर तो जागरूक करने के लिए है कि जिससे लोग ऐतिहासिक चीज़ों को जान सके, इसके लिए है। तो जैसे कि विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है, फ्री है, कितने लोग घूमने के लिए आए? जी हम ही आए हैं। अभी क्या क्या घूमा आपने आगरा में? हमने अभी तक तो यही घूमा है, बस अभी यही घूमा जा रहे हैं। अभी और जा रहे हैं घूमने के लिए? ताजमहल जा रहे हैं। ताजमहल जा रहे हैं, कैसा लग रहा है घूमकर? बहुत अच्छा। फ्री में घूमने को मिल रहा है, उसमें क्या कहना है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बम्पर ऑफर हो गया और क्या? दोबारा से मौका मिलेगा तो फैमिली साथ? फैमिली क्यों नहीं आई? फैमिली आई नहीं है, अभी घर पे है। घर पे है? आप ही लड़के लड़के से घूमने आए? चलिए ठीक है। तो जैसे कि लोकल के लोग हैं वो घूमने के लिए आए हैं यहाँ, तो फ्री में बम्पर ऑफर, लेकिन विश्व धरोहर के बारे में जितने लोग ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर लेकिन हम यही ज़्यादा यही जानना चाहते हैं, लोगों से पहुँचाना चाहते हैं बात को कि विश्व धरोहर दिवस एक ऐतिहासिक दिवस मनाया जा रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ऐतिहासिक इमारत है उसके बारे में लोग जागरूक हो सके और उनको सहयोग रखे। जितने भी लोग होते हैं युवा आजकल के, जितने भी डिजाइन बनाते हैं, इमारतों को छेड़छाड़ करते हैं, तोड़ते हैं, उससे ना करें और उसको सुरक्षित रख सके। कैमरा पर्सन मनोज कुशवाहा के साथ सुनी पांडे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।